please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तमिलनाडु के रामेश्वरम में कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में एक गड्ढे में मशीन गन और गोलियों से भरे डिब्बे निकालने लगे। इलाके के एक आदमी ने यहां गोला बारूद छिपे होने की आशंका जताई थी, जिसे कुछ दिन पहले सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खुदवाते समय गोलियों से भरा एक डिब्बा मिला था। इसके बाद पुलिस के बड़े अफसरों ने मौके पर पहुंचकर खुदाई करवाई, जिसमें 50 से ज्यादा प्लास्टिक के डिब्बे मिले। ये डिब्बे मशीन गन की गोलियों से भरे थे। पुलिस को इस गड्ढे से विस्फोटक से भरी कुछ थैलियां भी मिली। पुलिस ने आशंका जताई कि LTT जैसे किसी आतंकी संगठन के लोगों ने कई साल पहले समंदर किनारे के इस इलाके में ये गोला बारूद छिपाया होगा। राजस्थान के अलवर में कुछ लोग एक होमगार्ड को बीच सड़क पर पीटने लगे। आरोप है कि इस होमगार्ड ने बस ड्राइवर से सड़क पर खड़ी बस को हटाने के लिए कहा, जिस पर बस ड्राइवर और कंडक्टर भड़क गए और जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे होमगार्ड से झगड़ा करने लगे। होमगार्ड ने उनकी इस हरकत का विरोध किया, लेकिन बस ड्राइवर और कंडक्टर ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। वहां मौजूद दूसरे होमगार्ड ने अपने साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब ड्राइवर और कंडक्टर नहीं माने तो वो भी पीछे हट गया। लेकिन होमगार्ड खुद को बचाने की कोशिश करता रहा और उसने भी कंडक्टर की शर्ट को पकड़ लिया। बीच सड़क पर हुए हंगामे की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी होमगार्ड की मदद के लिए आगे नहीं आया। बिहार के गया में एक कार्यक्रम के दौरान एक आदमी हाथ में पगड़ी लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, पूरा मंच धड़ाम से नीचे गिर गया। वहां एक इमारत के भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक पूरा का पूरा मंच एक झटके में गिर गया। मंच गिरने से पहले वहां जुटे सभी लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। तभी आयोजकों में शामिल एक आदमी वहां पहुंचा और सभी मेहमानों को पगड़ी पहनने को कहा, जिसके बाद मंच पर मौजूद कुछ लोगों ने खुद ही पगड़ी पहन ली और बाकी लोगों को एक आदमी पगड़ी देने लगा। इसी बीच पूरा का पूरा मंच भरभराकर नीचे गिर गया। मंच गिरते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।